हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भावेश। कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल? और अभी एक खतरनाक ट्रिप शुरू हो रही है। अभी मैं हूँ साउथ गोवा में। हम लोग 4-5 दिन गोवा में है, तो साउथ गोवा के नज़दीक के जो जो प्लेस है वो एक्सप्लोर करेंगे। और कल मेन दिन है जिसके लिए ये ट्रिप पूरा प्लान हुआ है, दूध सागर वाटरफॉल वहाँ पर जाना है। तो आज साउथ गोवा घूमेंगे, कल दूध सागर वाटरफॉल, तो मज़े करने वाले हम लोग। ये चर्च तो बंद है अभी, और ये जो आगे का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, तो इसे देखने के लिए लोग आते हैं। तो ये हमारे रास्ते में पड़ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग रुक गए। रास्ते से निकल रहे थे तो ये एकदम फाइन व्यू मिला हमें देखने को, बहुत अच्छा व्यू है, मस्त है ना। ये जो जगह है ना, ये जगह के बारे में मैं क्या कहूँ, ये बहुत एकदम हिडन प्लेस है, हिडन, जो सब लोगों को नहीं पता है। गोवा के जो गोवा में घूमने आते हैं, ये यहाँ पे सब लोग नहीं आते, सिर्फ कोई कोई जन है जो आ जाते। तभी जो आपको व्यू देखने मिलने वाला है, और जो डैम के अंदर मतलब एक कुछ अलग ही यूनिक चीज़ है जो आज देखने वाले हम लोग। ये सब डैम का पानी है और जो उसके अंदर जा रहा है। सेंटर है ना, वहाँ पे वीडियो ले नहीं सकते, वहाँ पे पुलिस सब खड़े, और यहाँ से तो एकदम गजब व्यू आ रहा है। और पीछे जाके आप यहाँ से फ़ोटो खींच सकते हैं इतने साइड से, और यहाँ पे आगे पुलिस खड़े तो वहाँ से नहीं ले सकते। तो ये जो व्यू है वो यहाँ से कैप्चर करो। मैं एक ऐसे पॉइंट बनाया है कि उस CCTV एरिया के बाहर जाके आप वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो हमसे जितना हुआ हमने किया, पर आँखों को बहुत अच्छा लगा वो व्यू देख के।
3 hours later. हाँ, ये हमने इंस्टा पे देखा था, ये ब्रिज कुछ बहुत अच्छा लग रहा था देख के, और हमें लगा नज़दीक भी है, तो हम लोग इसको ढूंढते 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 इतना गाड़ी चला रहे, कब से 50 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चलाया और यहाँ पे आए, और इतना कुछ खास तो नहीं लग रहा है, पर ये ब्रिज है ऐसे देखने लायक है, यहाँ पे दोनों साइड